वर्तमान समय में व्यक्ति शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा के दौर में मात्र विद्यार्थी बनकर ही रह जाता है। ऐसे में यदि वह कुछ समय खेल के मैदान पर चला जाए तो वह शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक एवं बौद्धिक रूप से भी सुदृढ़ होता है, क्योंकि खेल अनुशासित जीवन शैली के लिए अत्यंत आवश्यक है। उक्त उद्गार सम्मान समारोह में आनंद कुमार शर्मा संभायुक्त ने मुख्य अतिथि के रूप में कहे। मध्य प्रदेश साफ टेनिस संघ के सचिव सुदेश सांगते ने बताया कि मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित एकलव्य एवं विक्रम अवार्ड देवास एवं मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को प्राप्त होने पर तथा स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव आलोक खरे व कोषाध्यक्ष पद पर मुख्तेश सिंह बदेशा के निर्विरोध निर्वाचित होने पर नारायण कृणा मंडल एवं मध्य प्रदेश ऑफ टेनिस संघ के संयुक्त तत्वावधान 16 जनवरी को पायोनियर पब्लिक स्कूल में आयोजित सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि आनंद कुमार शर्मा संभायुक्त उज्जैन संभाग चंद्रमौली शुक्ला कलेक्टर देवास की अध्यक्षता ने की। विशेष अतिथि विशाल सिंह चौहान आयुक्त नगर निगम एवं उपकार सिंह विर्क डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब नरबिंदर पाल सिंह लुधियाना थे। प्रारंभ में अतिथियों का पुष्पगुच्छ से स्वागत श्रीकांत उपाध्याय सुदेश सांगते रायसिंह सेंधव प्रवीण सांगते गौरव कदम विकास जायसवाल आदि ने किया। शब्दों से स्वागत करते हुए सॉफ्ट टेनिस महासंघ के उपाध्यक्ष श्रीकांत उपाध्याय ने कहा कि नारायण कृणा मंडल एवं सॉफ्ट टेनिस संघ ने राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्था के खिलाड़ी तैयार किए हैं। कलेक्टर शुक्ला ने अपने संबोधन में कहा कि देवास जैसे छोटे शहर में प्रतिभा की कमी नहीं है। यहाँ खिलाड़ियों ने देवास का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। मुझसे खेलो एवं देवास जिले के खिलाड़ियों के लिए जो भी संभव मदद होगी मैं पूर्ण रूप से करूंगा। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव आलोक खरे कोषाध्यक्ष पद पर मुख्तेश सिंह बदेशा विक्रम अवार्ड प्राप्त रिया डेविड कीर्ति चंदानी अंजलि ठाकुर जय मीणा एवं एकलव्य अवार्ड प्राप्त अरुंधति शर्मा सारा यादव प्रत्यक्षता सोनी आध्या तिवारी मोहक गजधर आदित्य दुबे को अतिथियों द्वारा स्मृति चिन्ह एवं पुष्प गुच्छ प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर देवास जिले के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी सलीम शेख मनीष जायसवाल अनिल श्रीवास्तव रईस खान विजय वर्मा आदि खेल प्रेमी विशेष रूप से उपस्थित। देवास के उदयीमान चित्रकार एवं रंगोलीकार सदाब रईस खान ने अतिथियों के रंगोली द्वारा चित्र तस्वीर प्रस्तुत की जिस पर उपस्थित सम्मानीय जनों ने उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की। कार्यक्रम के सूत्रधार प्रशांत सिंह सेंगर अंतर्राष्ट्रीय कमेंटर दूरदर्शन भोपाल थे। आभार विश्वामित्र अवार्डी सुदेश सांगते लोक सेवा आयोग से प्राचार्य पद पर चयनित हुए और बाद उसके जिला शिक्षक अधिकारी के पद पर टीकमगढ़ शाजापुर विदिशा और रायसेन में रहे। इसके बाद पिछले लगभग 13 वर्षों से आप सहायक संचालक अथवा संचालक के पद पर लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी हाँ, आप एक बार तालियां बजाइए। नाम मैं पुकार रहा हूँ उस व्यक्तित्व का जिसने आज हम सबको सम्मानित किया है, आदरणीय श्री आलोक खरे जी। खेलों से जुड़ी, खेलों को समर्पित ऐसी शख्सियत जिन्होंने हमेशा हमें मार्गदर्शित किया है, हमेशा हमें यह जताया है कि अगर कोशिशें बड़ी की जाए तो परिणाम भी बड़े मिला करते हैं। आज आपको सम्मानित करते हुए मंच सम्मानित हो रहा है। आपका खेलों से जुड़ाव और समर्पण भी अद्भुत रहा है। आपने टेबल टेनिस और क्रिकेट में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में न केवल सहभागिता की वही लोक शिक्षण संचालनालय यानी DPI की तरफ से भी जो खेल गतिविधियां हुआ करती थी तो विभागीय प्रतियोगिताओं में भी आपने सहभागिता दर्ज कराई। विभाग के लिए आपने वर्ष 2006 से शारीरिक शिक्षा कक्ष का दायित्व निभाया, 2012 से स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में उपाध्यक्ष के पद का दायित्व निभाया और इसके अलावा दुनिया भर में जहां स्कूल लेवल की प्रतियोगिताएं हुआ करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल स्तर की प्रतियोगिताएं, वहां पर आपने देश का प्रतिनिधित्व किया। मकाऊ, ऑस्ट्रेलिया, ईरान और इंडोनेशिया सहित अनेक देशों में आपने या तो इंडिया टीम के जनरल मैनेजर बने या हेड ऑफ द डेलीगेशन के रूप में आप शामिल हुए। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात रही है। तो आज हम गौरवान्वित हैं, अभिभूत हैं आपको हमारे बीच पाकर। मैं गुजारिश करूंगा हमारे अतिथियों से, हमारे इस कार्यक्रम के सूत्रधार सुदेश सांगते जी और सभी साथी हमारे अतिथियों के पास पहुंचे। आदरणीय श्री आलोक खरे जी के सम्मान के लिए आगे आए और स्वागत करें हमारे इस बड़े व्यक्तित्व के सम्मान का। शहर, प्रदेश और देश के लिए आपके इन्हीं अतुलनीय
प्रयासों के लिए, उपलब्धियों के लिए आज मध्य प्रदेश सॉफ्ट टेनिस एसोसिएशन और नारायण क्रीड़ा मंडल आपका सम्मान कर रहा है। आपके तालियां मिलनी चाहिए और जब तक ये सम्मान चले ये तालियां निरंतर मिलनी चाहिए, क्योंकि आप हमारे अनुरोध को स्वीकार करके यहाँ पहुंचे हैं, हमारे शहर का गौरव बढ़ाया है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत सम्मान करें और आपकी तालियां निरंतर बजनी चाहिए। आदरणीय श्री मुक्तेजी सिंह जी निर्देशक के लिए। यहां तक पहुंचना, इस तरीके से अपने कार्यों को एग्जीक्यूट करना, परिणाम हासिल करवाना तो आसान नहीं होता। दूर कहीं सुनते हुए या देखते हुए आसान लगता है, हमारे अतिथियों के सम्मान में इससे बड़ा योगदान क्या होगा। शायद आपके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय और हमारे मंचा सिंह सभी अतिथियों से सम्मानित हो रहे हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है। शायद आप बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। आपने हमारे इस आयोजन को और रंगीन बनाया और ज्यादा अद्भुत बनाया, बहुत बहुत अभिनंदन शादाब आपका। आपकी कष्टी स्तर पर इस छोटी उम्र में चार बार देश को प्रतिनिधित्व दिया, 15 बार राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, जूनियर खिलाड़ी लेकिन अब बड़े सपने दिखा रहे हैं। तालियां बजाए आदित्य दुबे के सम्मान में। राष्ट्रीय स्तर पर 15 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल, 6 ब्रॉन्ज मेडल और 4 बार इंटरनेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना, ये जताता है ये छोटी उम्र का खिलाड़ी कितना बड़ा कद और कितनी ऊंची संभावनाएं रखता है। आदित्य के लिए एक बार फिर तालियां बजाएं। सोलह में एकलव्य पुरस्कार हासिल किया, फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में है, मोहित गजदर, जनाब खारिस गजदर से रिक्वेस्ट करूंगा वे आए, मोहित गजदर का सम्मान हासिल करें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल, 1 ब्रॉन्ज मेडल आपने हासिल किया। मुझे याद है जब वो गोल्ड मेडल जीत के आए थे विदेश से, तब उन्हें मध्यप्रदेश दूरदर्शन ने बतौर सम्मान अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। विश्वामित्र अवार्डी सुरेश सिंह थे और मोहित गजदर उस प्रोग्राम में शामिल हुए थे। जोरदार तालियां हो जाए मोहित गजदर एकलव्य अवार्डी, उनका सम्मान ले रहे हैं हरीश गजदर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हरीश जी। और अब देवास के ही एक और खिलाड़ी विक्रम अवार्डी 2019। सॉफ्ट टेनिस की तरफ से पहली एकलव्य अवार्डी 2012 में, रिया नेवेट विक्रम अवार्ड आपको दिया प्रदेश सरकार ने 2015 में। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में आपने 13 बार हिस्सा लिया, 9 स्वर्ण 9 रजत और 6 कांस्य पदक आपने जीते, 4 बार आपने अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में देश को रिप्रेजेंट किया और 1 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल आपके हिस्से में आया है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में। आपका सम्मान करते हुए मंच सम्मानित हो रहा है, एक बार जोरदार तालियां बजाएं रिया नेवेट के लिए। हमारे अतिथियों के सम्मान में इससे बड़ा योगदान क्या होगा। शायद आपके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय और हमारे मंचा सिंह सभी अतिथियों से सम्मानित हो रहे हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है। शायद आप बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। आपने हमारे इस आयोजन को और रंगीन बनाया और ज्यादा अद्भुत बनाया, बहुत बहुत अभिनंदन शादाब आपका। आपकी उम्र लेकिन बड़े सपने दिखा रहे हैं ये खिलाड़ी अपनी योग्यता के सहारे। एकलव्य पुरस्कार हासिल किया 2018 में, आपने एशियाई खेलों में हिस्सा लिया है, ये सबसे बड़े गौरव की बात है देश को रिप्रेजेंट करते हुए एशियन गेम्स में शामिल होना। जकार्ता एशियाई खेलों में आपने देश को रिप्रेजेंट किया, 8 बार अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लिया, सॉफ्ट टेनिस में आपने उम्मीदों को बढ़ा दिया है। आद्य तिवारी के सम्मान में एक बार तालियां हो जाए, बहुत बहुत हमारे अतिथियों के सम्मान में इससे बड़ा योगदान क्या होगा। शायद आपके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय और हमारे मंचा सिंह सभी अतिथियों से सम्मानित हो रहे हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है। शायद आप बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन आपका।
आपने हमारे इस आयोजन को और रंगीन बनाया और ज्यादा अद्भुत बनाया। बहुत बहुत अभिनंदन शादाब आपका। सॉफ्ट टेनिस की तरफ से पहली एकलव्य अवार्डी 2012 में रियान एवेट विक्रम अवार्ड आपको दिया प्रदेश सरकार ने। 2015 में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में आपने 13 बार हिस्सा लिया, 9 स्वर्ण 9 रजत और 6 कांस्य पदक आपने जीते। 4 बार आपने अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में देश को रिप्रेजेंट किया और 1 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल आपके हिस्से में आया है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में। आपका सम्मान करते हुए मंच सम्मानित हो रहा है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए रियान एवेट के लिए। आपके सम्मान को हासिल करने के लिए मैं गुजारिश करूंगा अर्चना डेविड जी से, जो रिया डेविड की मदर है, आप आए और कीर्ति चंदानी का सम्मान हासिल करें, जो हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाए हैं व्यक्तिगत कारणों से। लेकिन उनके सम्मान में मैं बताना चाहूंगा, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में आपने 13 गोल्ड 12 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। 10 बार राष्ट्रीय स्पर्धाओं में हिस्सा लिया, 2 बार अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में देश को रिप्रेजेंट किया और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भी आपके पास 1 गोल्ड मेडल है। तो कीर्ति चंदानी के हमारे अतिथियों के सम्मान में इससे बड़ा योगदान क्या होगा। शादाब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय और हमारे मंचासीन सभी अतिथियों से सम्मानित हो रहे हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है। शादाब, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन आपको। आपने हमारे इस आयोजन को और रंगीन बनाया और ज्यादा अद्भुत बनाया। बहुत बहुत अभिनंदन शादाब आपका। आपकी उम्र लेकिन बड़े सपने दिखा रहे हैं ये खिलाड़ी। अपनी योग्यता के सहारे एकलव्य पुरस्कार हासिल किया 2018 में। आपने एशियाई खेलों में हिस्सा लिया है, ये सबसे बड़े गौरव की बात है देश को रिप्रेजेंट करते हुए एशियन गेम्स में शामिल होना। जकार्ता एशियाई खेलों में आपने देश को रिप्रेजेंट किया, 8 बार अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लिया, सॉफ्ट टेनिस में आपने उम्मीदों को बढ़ा दिया है। आद्य तिवारी के सम्मान में एक बार तालियां हो जाए। बहुत बहुत अभिनंदन। ये अवसर दिया और तभी मुझे ये दायित्व प्राप्त हुआ है। देवास जिले से, देवास की गतिविधियों से निरंतर जुड़ाव रहा है। विगत 10 वर्षों में मैंने देखा है कि बहुत अच्छी अच्छी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन देवास में हुआ है और देवास के जो हमारे क्रीड़ा से जुड़े हुए कोच साथी हैं, उन्होंने अपना एक छाप प्रदेश में छोड़ी है और उनके जो परिश्रम है, उनकी जो लगन है, उनकी जो कोचिंग है, उसके परिणाम स्वरूप बहुत से श्रेष्ठ बच्चे भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आए हैं और एकलव्य और विक्रम अवार्ड से सम्मानित भी हुए हैं। तो निश्चित रूप से मैं इस अवसर पर जो बच्चे हमारे सम्मानित हुए हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया है और देश का नाम रोशन किया है, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं कि वो ऐसे ही मेहनत करते रहें और एक दिन ओलंपिक में जाकर के मेडल प्राप्त करें। हमारे सभी सम्माननीय अतिथियों ने इस कार्यक्रम के लिए अपना समय दिया, मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूं। परंतु मैं समस्त आयोजक गणों का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत ही आदरणीय उज्जैन संभागायुक्त, आदरणीय आनंद शर्मा सर, मंच पर उपस्थित खेल जगत की जानी मानी हस्तियां और इसके संचालन और प्रशासन में लगे हुए लोग, यहां पे अधिकांश लोग उपस्थित हैं राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, अभी वर्तमान में खेल रहे हैं, कि उनके परिवारजन सभी का मैं देवास की ओर से, अपनी ओर से स्वागत करता हूं। पहले तो मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूं कि माननीय कमिश्नर साहब, अभी उनका ट्रांसफर हो गया, मुख्यमंत्री जी के सचिव हो गए। चलिए मैं इसलिए बताना चाहता हूं सबके कि अब हम लोग के जुगाड़ बहुत ऊपर तक हो गई है और जब मैं यहां खेलने आता हूं तो बच्चे हमेशा एक बात रखते हैं कि मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी गेम्स में सॉफ्ट टेनिस का भी वो नहीं है। मैंने बीच में अनुपम राजन साहब से भी बात की थी, उन्होंने कहा था हो जाएगा, पर सर आप जहां जा रहे हैं वहां से निश्चित तौर पर हो जाएगा, ये मुझे विश्वास है।
मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूं कि यद्यपि यहां पर मैं बोल रहा हूं तो निश्चित तौर पर यह आवश्यक नहीं कि मैं इतना सक्षम हूं कि जो अपनी फील्ड के सबसे काबिल लोग हैं उनको आप कोई सम्मान कर सको, उनको पुरस्कार कर सको। जैसे मैं कह रहा था कि मेरे जैसे लगभग 800 कलेक्टर पूरे हिंदुस्तान में हैं और तुम्हारे जैसे पूरे देश में 4-5 लोग हैं जो इस लेवल में स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो कई बार आप अपने सरकारी पद के चलते जरूर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको मंच पे खड़े होकर बोलने का या कि मंच पे बैठने का या कि फिर पुरस्कार वितरण करने का मौका मिलता है, तो निश्चित तौर पर ये नहीं सिद्ध करता कि आप जिसको सम्मानित कर रहे हो उससे ज्यादा उस पर्टिकुलर विधायक में काबिल हो। मैं लगभग पिछले 7 महीने से देवास में पदस्थ हूं और 5-6 महीने से टेनिस सीखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं रोज मौका नहीं मिलता, पर आज मैं सुदेश जी को, गौरव को और जो लोग मुझे अगर मुझे आप टेनिस सिखा सकते हो, जिन बच्चों को निश्चित तौर पर सिखा सकते हो, ये भी मैं कह सकता हूँ मुझे लगता है थोड़ा बहुत मैं सीख गया हूँ। तो दे मस्ट बी अ ग्रेट कोचेस जो कि जिन्होंने इस मैदान से या कि यहाँ के बाहर से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का निर्माण किया। मैं एक चीज और कहता हूँ, जब मैं सुबह खेलने आता हूँ तो आदित्य और जय यहाँ पर आते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कभी भूलना मत, अगर तुम लोग कभी ओलंपिक्स में या कि एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेके आओगे तो मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं इन बच्चों को पहचानता हूँ और मैंने इनके साथ